अक्षय कुमार की करियर की एक और फिल्म फ्लॉप हो गया। सरफिराज इधर हाल फिलहाल में रिलीज हुआ तो ये तो रिलीज से पहले ही फ्लॉप था, क्योंकि इस फिल्म का हाइप नहीं था, ऊपर से एक रीमेक फिल्म था। बॉलीवुड में अगर अभी रीमेक फिल्म आती है तो वह फ्लॉप ही जाएगा, क्योंकि साउथ की अधिकतर फिल्म अभी सब ने देख रखा है। तो अक्षय कुमार को जरूरत ही नहीं था कि रीमेक फिल्म पे काम करे, रीमेक फिल्म लाएगा और फ्लॉप हो जाएगी। जो कि सरफिराज का बजट है 100 करोड़ के आसपास और इस फिल्म ने पहले दिन मात्र 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया, और संडे के दिन तो इस फिल्म ने मात्र 5 करोड़ का कलेक्शन किया। सोचने सिंगल डिजिट में काम कर रही है। ये फिल्म फ्राइडे के दिन रिलीज हुआ था 12 तारीख को, जो कि उस दिन 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे दिन सैटरडे को यानी 13 जुलाई को 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया, और यानी संडे के दिन इस फिल्म ने 5 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि अब तक टोटल 3 दिन के अंदर सरफिराज फिल्म 12 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। और इस फिल्म का बजट है 100 करोड़ का, जो कि इसमें अक्षय कुमार की फीस ही ज्यादा होगी। और इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया है, जो कि सरफिराज फिल्म जो रीमेक है सोरारू पोटू का, उसी के जो डायरेक्टर पहले डायरेक्ट किया था वही डायरेक्टर डायरेक्ट किया। इस फिल्म की मूवी रिव्यू की बात करें तो फिल्म में बहुत कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा, जो कि वह रीमेक फिल्म था सेम उतार दिया है। सिर्फ इस फिल्म में सूर्या का जो कैमियो वह काफी जबरदस्त था, वही कैमियो की वजह से यह फिल्म चल रही है। लेकिन फिल्म में अक्षय कुमार का काम जबरदस्त है। जैसे आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी देख लिए, उसमें अक्षय कुमार का एक्टिंग नहीं लग रहा था, लेकिन इस फिल्म में अक्षय कुमार अपने पूरा 100% दिया और एक्टिंग में काफी जबरदस्त काम किया। राधिका मंदन वह भी काफी जबरदस्त काम किया, और प्रेस रावल का क्या ही जबरदस्त एक्टिंग किया। विलन के रोल में तो जच रहे हैं, पहले वो अक्षय कुमार के साथ बाबू भैया किरदार में हेरा फेरी में देखा होगा, इस बार सीरियस रोल में नजर आए अक्षय कुमार के साथ, जो कि दोनों का जोड़ी काफी जबरदस्त लगता है। और ये फिल्म का बजट 100 करोड़ का, अभी तक 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। मूवी कुछ खास नहीं लग रही बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल कर पाएगी। इस फिल्म को आप अगर ओरिजिनल फिल्म नहीं देखे तो आप इस रीमेक फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन बाद बाकी आप इसे ओटीटी का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन मूवी में कुछ खास नहीं है, लेकिन मूवी को जिस तरह से डायरेक्शन मिला है, फिल्म में बीच बीच में गाना देखने को मिलता है और बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब काफी जबरदस्त है। मूवी तो अपना प्रॉफिट नहीं लग रहा है कि निकाल पाएगी, ये फिल्म भी फ्लॉप ही जाएगी। अक्षय कुमार की 2023 में आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख लीजिए, ये भी आई बुरी तरह से फ्लॉप गई। अब इस फिल्म का ही बारे में बात कर लीजिए, 12 करोड़ का कलेक्शन किया मात्र 3 दिन में। अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार, जो कि 2019 में अक्षय कुमार की फिल्म आती थी तो 15 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ का ओपनिंग लेता था, सोचिए ये फिल्म मात्र 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया तो कहाँ से ऊपर सुपरहिट हो पाएगी। लग रहा है अक्षय कुमार अब सुपरस्टार नहीं सिर्फ एक्टर रह जाएंगे, क्योंकि अक्षय कुमार का जिस तरह से स्टारडम फैन बेस है, उस हिसाब से अगर ऐसा कलेक्शन करता तो ये मूवी फ्लॉप ही मान सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके फैमिली के साथ देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इस फिल्म का ओटीटी का इंतजार कर सकते हैं, रीमेक फिल्म को अपना देख आपको देखना ही नहीं चाहिए। लेकिन अक्षय कुमार का एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन सोरारू पोटू में जो सूर्या का जो एक्टिंग था, इतना माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, उस किरदार में सूर्या काफी जबरदस्त लगे थे। सोचिए उस फिल्म में सूर्या को नेशनल अवार्ड मिला था, उस स्टार कास्ट में उसमें लीड एक्ट्रेस था उसको भी मिला था। लेकिन इस फिल्म में आप अक्षय कुमार का एक्टिंग ठीक है, लेकिन नेशनल अवार्ड वाला विनर वाला एक्टिंग नहीं है। और राधिका मंदन जो कि अक्षय कुमार की बेटी का उम्र का, उसके साथ अक्षय कुमार का जोड़ी भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन राधिका मंदन का काम इस फिल्म में काफी जबरदस्त था। इस फिल्म का 100 करोड़ का बजट है, आप देख सकते हैं 12 करोड़ का कलेक्शन किया, तो आपके हिसाब से फिल्म सिनेमाघर में देखना चाहिए नहीं, क्योंकि आप भी बोलिए कि रीमेक फिल्म देखे क्या फायदा। अभी कल की 289 600 करोड़ का कमा आया है, वह भी हॉल में लगा हुआ, तो लोग वह फिल्म काहे नहीं देखेगा कि सरफिरा देखेगा, आप ही जाके देख लिए। और वहीं इंडियन 2 जो रिलीज हुआ वह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है बॉक्स ऑफिस। अगर आपने सरफिरा नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, फैमिली के साथ देखिए या नहीं देखिए आपका मर्जी, ये फिल्म फ्लॉप ही जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।